सो हे गाइस, व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो साइको फैम, क्या हाल है जनता के, व्हाट इज अप एवरीबॉडी। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली टॉप टू एयरफोन्स अंडर ₹500 की है भाई, ₹500 से कम में ब्रांडेड एयरफोन्स है जो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिलेंगे। मैं इनको एक महीने से ऊपर से यूज कर रहा हूँ, तो आपको इनके बारे में रिव्यू दूंगा कि एयरफोन कैसे हैं। सो गाइस, पहला एयरफोन जो मैंने ऑर्डर करा था वो था JBL का C50H, एंड किसी ने अब तक वीडियो लाइक नहीं करा तो जल्दी से जाकर वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि एयरफोन बहुत तगड़े हैं एंड नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी। सो गाइस, पहला एयरफोन जो मैंने ऑर्डर करा था वो था JBL का C50H। गाइस, इस एयरफोन की बात करें तो इस एयरफोन का MRP जो पीछे डब्बे के लिखा है वो है 999, बट अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे 499 का मिलता है। बॉक्स के अंदर से गाइस निकला था एक एयरफोन और साथ में एयरप्लग्स, जिसमें स्मॉल एंड लार्ज साइज था, मीडियम साइज लगा हुआ आता है बाकी एयरफोन की तरह इस एयरफोन के ऊपर। गाइस, इस एयरफोन की बात करें तो, और एयरफोन नेसेसिटी थिंग्स, सो भाई इस एयरफोन की बात करें तो एयरफोन के अंदर क्वालिटी की बात करते हैं, और सबसे पहले क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी कैसी गई। सबसे पहले जो मेरे को इस चीज़ की अच्छी चीज़ नहीं लगी मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ मेरे को गंदी लगी वो था यार इसका ये वाला प्लग। गाइस, ये वाला प्लग ना मुड़ जाता है, जब भी आप फोन ऐसे पकड़ते हैं तो ये वाला प्लग मुड़ जाता है एंड मुड़ के कट जाता है। दूसरी बात जो इसकी वायर है, गाइस ये डबल साइडेड वायर है, मतलब दो वायर लगी हुई है, एंड ये चीज़ थोड़ी अच्छी होती है दो वायर लगा हुआ ना, बट एक भी वायर खराब तो मतलब एयरफोन खराब। ₹500 में ज़्यादा क्या लोगे, वो बात भी सही है। बट एंड थर्ड थिंग जो मेरे को इसकी बुरी लगी वो था गाइस, इसको हल्का सा मोड़ने पे ये मुड़ जाती है वायर, अभी आप देख सक रहे हैं ये वाली वायर जैसे मुड़ी हुई है। अब बात करेंगे इसके प्रोज की बात करें तो भाई साउंड क्वालिटी इज ग्रेट। अगर आप गाने सुनना चाहते हो नॉर्मल, तो एयरफोन्स को लगा के आप आराम से खो सकते हो। वॉइस कैंसिलेशन है, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत है, ₹500 के एयरफोन में उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। एंड माइक की बात करें तो माइक इज़ द बेस्ट गाइस। अगर आप एयरफोन कान में लगाएंगे एंड माइक को देखेंगे तो माइक की लेंथ बहुत कम है, यहाँ तक आपकी माइक की लेंथ आ रही है, एंड यू कैन ईजिली स्पीक वेरी क्लियरली। आपको ऐसे उठा के ऊपर नहीं लाना पड़ता जैसे बाकी एयरफोन्स पर लाना पड़ता है, तो ये चीज़ की बहुत प्यारी लगी मेरे को कि आपको बार बार ऊपर उठा के बात नहीं करनी पड़ती है। साउंड क्वालिटी इज ओके। पबजी में अगर आप खेल रहे हो और आपके आसपास बंदा हो तो आपको पता चलेगा बंदा है आसपास, बट लेफ्ट से आ रहा राइट से आ रहा है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपके साउंड सिस्टम बहुत अच्छे तो आप पकड़ लोगे बहुत इजीली, बट थोड़ा मुश्किल होगा। सो दीज वर JBL C50HI एंड 499 MRP आप ले सकते हैं। सेकंड एयरफोन जो है जो मैंने ऑर्डर करते थे वो थे बोट के बेसहेड्स 122। ये रहा बोट के बेसहेड्स 122 का, जिसकी MRP बॉक्स के ऊपर 1399 है, और ये एयरफोन भी अमेजोन पे 499 से 545 के लगभग रेंज करते हैं। कभी 499 के होते हैं, कभी 545 के होते हैं, कभी 599 के होते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। इन एयरफोन्स की बात करें तो गाइस इसके अंदर डब्बे से निकलता है 1 साल का वारंटी कार्ड और एयरफोन, बाकी और कुछ नहीं निकलता था इसके अंदर से। इन एयरफोन्स की बात करें तो गाइस सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी, मेरे को पर्सनली ये वाले एयरफोन्स इस टाइप के जैक वाले पसंद आते हैं, क्योंकि ये थोड़े रफ यूज़ के लिए अच्छे होते हैं, एंड मैं बहुत ज़्यादा रफ यूज़ करता हूँ, और कोई और भी रफ यूज़ करता हो तो भाई वो इन्हीं वाले एयरफोन्स को लेना, वो एयरफोन थोड़े रफ यूज़ के लिए नहीं है। सेकेंड बात अगर इन बात की करें तो गाइस इसका जो बिल्ड क्वालिटी का, इसकी वायर बहुत थिक है, मतलब उसकी डबल वायर से ज़्यादा मोटी इसकी सिंगल वायर है, एंड दिस वायर इज़ लिटरली प्रिटी गुड, एंड बहुत ज़्यादा रफ यूज़ करता हूँ मैं। थर्ड चीज़ की बात करें गाइस, तो साउंड क्वालिटी का, साउंड क्वालिटी की बात करें तो भाई साउंड क्वालिटी इसकी लाजवाब है। आप बेस हेड्स हैं एंड यू कैन लिटरली हेयर द बेस, यू कैन फील द बेस, वॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा है। पबजी में गेम खेलने की बात करें फिर से पबजी वालों के लिए, तो भाई पबजी वालों के लिए भाई इट इज़ रियली गुड। आपको लेफ्ट राइट का पता चल जाएगा, अगर आपको हल्की सी भी साउंड सेंस है तो आपको लेफ्ट राइट का पता चल जाएगा बंदा लेफ्ट से आ रहा है राइट से आ रहा है। और बाकी का इसका मेटल फ्रेम है बैक साइड पे, और ये मेटल फ्रेम आपको थोड़ा सा सॉलिडिटी देता है, और बाकी इसकी टैंगल फ्री ये अपनी क्या कहते हैं एयरफोन है, मतलब आप इसे मुचड़ मुचड़ करोगे ना तो भी सही सही रहेगा। एंड बाकी तो यार और कुछ इसमें खास नहीं लगा, बट हाँ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आई वुड रिकमेंड बोट के एयरफोन्स लेना, 40-50 रुपये महंगे, उससे ज़्यादा महंगे नहीं है एयरफोन इनसे। सो बोट के ये एयरफोन्स बेसहेड्स 122 दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों को कहीं से भी ऑर्डर कर लेना, खुद जाके अमेजोन से करोगे तो भी चलेगा, मेरा कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। एंड गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं पहली बार बना रहा हूँ ये वीडियो, एंड अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोज और डालना तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और ऐसी वीडियोज चाहिए एंड यू लाइक इट। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।